उत्साह नाल ध्यान नाल एकाग्रता दे नाल इस पासे ध्यान देना पड़ेगा। देखो सतसंगत विच बैठण दे कुछ नियम ने, सतसंगत विच बैठण दे कुछ नियम ने, कुछ शर्तां आ। जिवें तुसीं आम तौर पर सड़क ते तुरदे हो ते सड़क ते तुरदे वक्त मोटरसाइकल गड्डी चलाउंदे वक्त आपां नूं कुछ नियमां दा ध्यान रखना पैंदा है। भई आपां इक तां खब्बे हथ चलना, खब्बे हथ चलना चाहीदा, सड़क दा रूल है, सड़क दा नियम है। जे सामने आपां नूं जदों सड़क ते लाइटां नज़र आ जाण, भावें लाइट हरी है, पीली है, लाल है, तीन तरह दीआं लाइटां आपां नूं चौरस्ते दे विच दिखाई देणगीआं, आपां उत्थे जाके भी उन्हां लाइटां वल वेख के अचानक जां ब्रेक लाउने आ जां असीं छेती नाल काली नाल उत्थों निकलण दा यतन करदे आ, यानी कोई गल मन रहे हैं ना। आपां हस्पताल विच जांदे आ, डाक्टर कोल जांदे आ, डाक्टर कोल आपो अपनी बीमारी लैके पहुंचे होए, कई वीर भैणां उत्थे उड़ीक कर रहे ने साडी वारी आवे असीं डाक्टर कोलों दवाई लईए, आपां वी उसे लाइन विच लग के अपनी वारी दी उड़ीक करदे आ, वारी दी उड़ीक करदे आ असीं सहज 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 अपने नंबर ते सहज सहज असीं डाक्टर दे कोल पहुंचदे आ, अपनी गल दसदे आ, डाक्टर अपने हिसाब नाल साडी बीमारी नूं पछाणदा है, फिर वह दवाई देता है, परहेज दसता है, आप दवाई खाने, परहेज रखते हैं, आखिर कोई गल मनी है तो किसी सिरे लगी है ना। एन गुरु सवारियो, जे आप समाज दियां बड़िया सारिया इस तरह दियां उदाहरण सामने रख के गल करन दी कोशिश करिए ते अखीर सिट्टा यो ही निकलेगा कि जिंदगी किसी नियम विच ही चलती है। आप मुहारे बिना किसी नियम तो, बिना किसी सोची समझी प्लानिंग तो बिना यह जिंदगी जिहड़ी है वह फेल हो जाती है। जिंदगी जिहड़ी है वह कई खतरियां दे विच घिर जाती है जदों आपां बिना सोचे समझे चलण दा यतन करदे हां। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने सानू सतसंगत विच बैठण दे कुछ नियम सिखाए। भैणां बैठियां ने मेरियां सत्कारयोग, बजुर्ग बैठे ने, मेरे वीर बैठे ने, तुसां बाणी पढ़दे आ, बाणी सुनदे आ, कई बारी ध्यान दिता होएगा। आपां इत्थे सतसंगत करना है, गुरु की बाणी पढ़न सुनन वास्ते आए हैं ना। वेखो किन्ने प्यार नाल गुरु अर्जन साहब ने गल समझा दिती ते महाराज कहिंदे प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। मेरा ख्याल जी तुहानू सारयां नू आउंदा ही होएगा पाठ, मैं कोशिश कर रहा, तुसीं भी नाल बोलण दी कोशिश करो, आपां नू इहदे च आनंद आएगा। बाणी पढ़ रहे हां, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सावधान रहना है, आलसी नहीं, ढिले होके नहीं बैठना, एकाग्र चित होके बैठना। एकाग्र चित दा अर्थ यह है जदों आपां बाणी सुन रहे हां तो सिर्फ ध्यान बाणी वल रहे, बाणी कह की रही है, ध्यान साडा बाणी वल रहे, यह नहीं शरीर करके इत्थे बैठे हुए हां, अद्धा क ध्यान साडा बाणी वल है, अद्धा क ध्यान साडा किसी होर पासे है। जदों ध्यान वंडिया जाएगा असीं एकाग्र चित नहीं हो सकांगे। एकाग्र चित दा मतलब है चित एक थां ते लैके आउणा, आपां शब्द दे सामने बैठे हां, साडा ध्यान शब्द गुरु ते केंद्रित रहे, सानू बाणी की कहिंदी है। लो जदों असीं इस तरह बैठांगे, जदों असीं इस तरह कोशिश करांगे, फिर पता की होएगा, बाणी पढ़ी जाएगी, बाणी सुनी जाएगी ते नाल नाल आपां नूं इह समझ आएगी वाह वाह सतगुरु किन्नी महान बाणी है आप दी, तुसां किन्ने सोहणे उपदेश दित्ते पर मैं भुल गया। आपां अपने आप नूं परखण लग जावांगे, साडा मन अपने आप नूं शीशे दे सामने खलोता होया महसूस करेगा वाह सतगुरु वाह, तुसां मैनू मेरा धब्बियां वाला चेहरा विखा दिता महाराज, तुसां मैनू मेरी करूपता दिखा दिती है महाराज, मेरे विच अनेकां कमजोरियां तुसां अपनी बाणी दे राहीं मैनू दिखा दित्तियां ने। जदों असीं सतगुरु की बाणी नूं एकाग्र चित हो के ध्यान नाल समझ के विचार के सहज सहज पढ़ सुन की कोशिश करांगे ते गुरु प्यारे फिर बाणी कहिंदी है जदों इस तरह की कोशिश होएगी उदों ही सानू सुचज्जा जीवन मुक्ति वाला जिहड़ा है वह ज्यौंदियां प्राप्त होएगा। वेखो पढ़ो सतगुरु की बाणी,
जन नानक बिन आपा चीने मिटै ना भ्रम की काई। काई दा अर्थ हुंदा जाला। तुसां देखिया होएगा जिथे पानी लगातार खड़ा रवे, लंबा समा पानी खड़ा रवे, उस पानी दे हेठ सहज सहज हरिया हरिया जाला जमना शुरू हो जाता है। वह जाला इन्ना तिलकना है जे कोई व्यक्ति उहदे ते पैर रख लवे तो एकदम उहनू समझ ही नहीं लगती किहड़े वेले वह तिलक गया ते पानी विच डुब गया। बड़ी तिलकणबाजी है, वह जाला बड़ा नुकसान करता है। सतगुरु कहिंदे इह भरम दा जाला साडे जीवन विच भी है, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਕਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, सेवा दे विच हाजर रहन वाला व्यक्ति, सेवा दे विच विश्वास रखन वाला व्यक्ति, जेड़ा बर्तन भी साफ करे, दरिया भी झाड़े, जेड़ा गुरुद्वारे आके हर सेवा विच शामिल हो जाता होवे, पर जे उन्हें अपने आप नूं परखना नहीं सिखिया तां खिमा करियो, ऐसे व्यक्ति भी इस वेले समाज विच किते किते दिखाई देंदे है जेड़े सेवा भी करदे है पर दूजे नूं झूठ भी बोलदे, चोरी भी कर लैंदे है। सतगुरु ने इसे करके समझाया सानू अपना आप परखना पएगा, सानू अपना आप वेखना पएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सानू ये वेखण लई प्रेरणा देंदी है, भाई अपने आप नू वेखण दा यतन करो। वेखिया असी बहुत कुछ है, असी दूजियां वल वेखिया है, असी दूजियां वल वेख वेख के बड़े अपने अपने मन विच कई तरीकियां दे भरम पाले, किसी ने किसी तरीके का भरम पालिया, किसी ने किसी तरीके का भरम पालिया, कोई किसी की माया वेंदा रहा, कोई किसी की जायदाद नू परखदा रहा, कोई किसी का रूप रंग वेंदा रहा, कोई किसी के पाए हुए लिबास नू तकदा रह गया, बस असी दमड़ी चमड़ी के पुजारी ही बन के रह गए, इस तों अगे असी तुरन की कोशिश नहीं की। पढ़ो सतगुरु की बाणी ते महाराज सच्चे पातशाह आखदे बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। बंदे अपने आप नू खोज, अपने दिल नू, अपने मन नू, अपने सुरत नू पढ़न दा यतन करिया कर। साडे कोल समां ही नहीं हुंदा। पहली गल जे गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में आ जाने साडियां अपनियां गल्लां नहीं मुकदियां। तुसीं कई अखंड पाठां ते गए होवोगे, भैणां नू कई बारी मौका मिलिया होएगा, मेरे बजुर्ग वीर भरा बैठे ने तुहानू कई बारी जाण दा मौका मिलिया होएगा। अंदर भाई साहब जी गुरु तेग बहादुर साहब जी के उच्चारण किए हुए श्लोक पढ़ते होंगे, उन्होंने शुरू किया हों, जो पहला श्लोक शुरू हो जाता है उदो असी आने शुरू हो जाने, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्मा कारथ कीन, वह श्लोक पढ़ी जाते असी मत्था टेक टेक के बही जाने। और जिमें जिमें असी बैठ बैठते जाने आपो अपने ग्रुप बना लिया, कोई किसी ने गल्लां कर रहा, कोई किसी ने गल्लां कर रहा, अंदर कमरे में भाई साहब जी पाठ कर रहे हैं, स्पीकर सारे पिंड आवाज पहुंचा रहा, पर जिहड़े नेड़े बैठे ने वह आपस में गल्लां विच लगे आ। भैणां दीआं अपणीआं गल्लां नहीं मुकदीआं, वीरां दीआं अपणीआं गल्लां नहीं मुकदीआं। उत्थे ही साडी भोग दे उत्ते राजनीति भी चली जांदी है, उत्थे ही साडा शरीकेबाजी भी चली जांदी है, उत्थे ही साडे होर भरम भुलेखे ते पता नहीं की नाल चली जांदा। असी बाणी सुनी भी नहीं, असी बाणी नूं समझिया भी नहीं, असी बाणी दे मुताबक अपने आप नूं परखिया भी नहीं, परखिया भी नहीं। नितनेम दी बाणी दा सतगुरु वालों अते सतगुरु दे पंथ वालों सानू हुक्म है कि तुसी नितनेम करना है। शाम नूं सवेरे अपने अपने असी झात मार के देख सकते, मैं किसी के हाथ नहीं खड़े कराउंदा, अपने अपने अंदर झात मार के देखिए किन्ने परिवार है जिहड़े सवेरे नितनेम वेले कोई गुटका फड़ के बैठते होण, कोई जपजी का पाठ करता होवे, कोई शाम नूं रहरास का पाठ करता होवे। किन्नियां ओह मेरियां मावां ने जिहड़ियां अपणियां बच्चियां नूं कोल बिठा के कोशिश करन, मेरिया बच्चिया आ मैनूं सोहले दी बाणी का पाठ सुणा। किन्ने ओह बजुर्ग है जिहड़े अपणियां बच्चियां नूं दस गुरु साहिबान, पंज प्यारे, चार साहिबजादियां दे नां सिखाउण दा यतन करदे हो। अज दोष असी बड़े दिने, कोई कहिंदा प्रचारक प्रचार नहीं करते, कोई कहिंदा फलानी जथेबंदी जिहड़ी है वह ध्यान नहीं देंदी, कोई कहिंदा साडे लीडर ध्यान नहीं देंदे, कि साडी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जथेबंदियां प्रचारक लीडर आण के सानू यह सारा कुछ सिखाउणगे।
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਕਣਕ ਵਢਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਤਰਾ ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਛਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਲਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਬੜੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਐ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਰਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੱਕ ਰਗੜਿਆ ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਲੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਚੋਰ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾਈਏ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਲੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ
कदे ना पायन गांड जिचर पैनन खामने तिचर रखन गांड जित देन किशना होवे तित देन बोलन गंद। सिर्फ खान पीन तक सिर्फ सहूलतां तक सिर्फ लैण तक सीमित रह गए, उस तो अगे असीं तुरन नूं तैयार नहीं होए। गुरु सवारियो साडा तीन दिन का उपराला जिहड़ा तुहाडे चों संगतां ने रल के प्रबंधक वीरां ने रल के यह सारा उपराला उलीकिया है। ये कोई मेला नहीं, ये कोई आण के असी सिर्फ भाषण झाड़ के वापस नहीं मुड़ जाना, ये आ के असी कोई खाना पूर्ति करके वापस नहीं मुड़ जाना। साड़ी कोशिश होएगी वध तो वध गुरबाणी की सांझ आप जी नाल कीती जाए। हुण आप जी के सामने मेरे सत्कारयोग वीर सरबजीत सिंह जी तुंदा, वह आप जी नाल कुछ समा गुरबाणी की विचार करनगे। असी कोशिश करांगे गुरबाणी की विचार करदिया जे को तुहाडे मन च शंके सवाल पैदा हुंदे है तां असीं तुहाडे शंकियां दे उत्तर देण दा भी यतन करांगे। ते शंकियां दे उत्तर देण दा मतलब ए नहीं ना ते कोई दूषणबाजी है, ना ही साडा उहदा मतलब सवाल जवाब दा कोई झगड़ा है, ना बहस है। जो बाणी ने फैसला दिता असीं तुहाडे सामने रख देना है वी आह बाणी कहिंदी है, आह तुहाडा सवाल है, अगे तुहाडा मनना ना मनना ये तुहाडा फैसला है। असी सवाल जवाब की कोशिश भी करांगे। कल दे दीवान तो बाद साड़ी कोशिश होएगी कि कोई एक धार्मिक फिल्म जिहड़ी सिक्ख्यादायक जिहदे चों सानूं कोई प्रेरणा मिलदी होवे। दीवान तो बाद असी नौजवानों नूं वीरां नूं बच्चियां नूं मातावां नूं बजुर्गों नूं सांझे रूप विच इत्थे ही गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप की सेवा संभाल तो बाद इत्थे कोई पिक्चर दिखाउण दा असी यतन करांगे जिहदे चों सानूं कोई प्रेरणा मिले सिक्ख्या मिले। कोशिश यह है भावें फिल्म राही भावें विचार राही भावें सवाल जवाब राही किसी भी तरीके जे साडे कुछ वीर भैणा बाकी मनमत छड़ के गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लग जाण, भरोसा गुरु ग्रंथ साहब जी ते कर लैण, बाणी गुरु ग्रंथ साहब की पढ़नी शुरू कर देण, ते साडे इस कीते हुए उपराले सफल होणगे। सतगुरु कृपा करन सारयां दा धन्नवाद। आस करदा इसे एकाग्रता नाल प्यार नाल आप जी सुणन दा यतन करोगे। कुछ बच्चे इधर उधर दौड़दे है, बच्चों का सुभा आ आपां उहनां नूं डांटना नहीं, दवान चों भजाउणा भी नहीं, क्योंकि आम तौर पर होंगे भी बच्चों को बाहर कढ दिता भाजो भाजो इत्थे तुसीं रौला पाओ, नहीं ये अपने आने वाले समय के स्रोते है, इन्होंने अगों अपने समाज की वागडोर संभालनी है। कोशिश करो कोई गल नहीं, बच्चे है रौला भी पाउणगे भज्जणगे भी, इन्हां नूं वार वार कोल बिठाओ ताकि यह बहना सिख जाण। इन्हां नूं बिठाउणा भी आपां ही है, इन्हां नूं सुणाउणा भी आपां ही है, इन्हां नूं समझाउणा भी आपां ही है, इन्हां नूं भजाउणा नहीं, इन्हां नूं कोल बिठाओ। जिहड़ियां मातावां कोल बिठा सकदियां किसी भी तरीके कोल बिठाउण की कोशिश करो। जे बजुर्ग जां वीर भरा कोई इस तरह की कोशिश कर सकदा है बच्चों को कोल बिठाओ ताकि आले दुआले दौड़दे नजर ना आउण, एकाग्रता बन जाए, माहौल सोहना हो जाए, तो आपां सोहणे तरीके नाल सतगुरु की बाणी का वध तों वध लाहा लै सकीए। आओ अगलेरी विचार वीर जी पासों आपां श्रवण करदे हाँ। सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।